देखिए, हरियाणा का इतिहास तो सर्वविदित है। सब जानते हैं कि हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत समझदार हैं, बड़ा समझदारी के साथ जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो है वो मौका दिया है, और हमारे नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार शपथ ली है, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो भी राजनीतिक परिदृश्य रहता है वही जो है वो हरियाणा में भी रहता है। तीसरी बार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो भारत में सरकार बनी है, उसी तरीके से हरियाणा में भी सरकार बनी है। तो मैं इस बात के लिए भी सभी समस्त जो है हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार जो है वो हरियाणा में बनी है। तमाम तरह के मैम आरोप भी लग रहे हैं, ईवीएम को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, चुनाव आयोग के पास भी गए हैं, आपको क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर ईवीएम का अगर वो दोषारोपण कर रहे हैं तो फिर मुझे बताएं कि रतिया में हम क्यों नहीं जीत सके। देखिए, जहां पर जो है अगर परिणाम उनके अनुरूप आते हैं तो वहां पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां पर उनके अनुरूप नहीं आते हैं, उनके प्रतिकूल रहते हैं, तो वहां पर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। ये मुझे लगता है कि इस तरह की बार बार इस तरह की बात करना जो है वो हरियाणा के मतदाताओं का अपमान करना है। जिस भी राज्य के अंदर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो मतदाता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और अगर उनके अनुरूप जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो मतदाताओं को वो कटघरे में खड़ा करते हैं और ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपसी जो खींचतान और आपसी कुमारी शैलजा मैम को लेकर भी कई अपशब्द उनको उनके बोले गए, उसके बाद वो एक बार वो चुप बैठ गई घर पे, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने मनाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आपसी फूट भी इनका कारण है कांग्रेस का? देखिए, इस बात की समीक्षा मुझे लगता है कि उन लोगों को करनी चाहिए, और हम भी जो है अपने परिणाम जो है हमारे जो आए हैं हम भी उनकी समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग सिरसा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम उस तरह के परिणाम क्यों नहीं दे पाए जिस तरह के हम बाकी के हरियाणा के क्षेत्र में देकर आए हैं। तो हम लोग भी इस बात की समीक्षा करेंगे और उन लोगों को भी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कारण रहे कि लगातार तीसरी बार जो है हरियाणा के मतदाताओं ने उनको नकार दिया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर कम से कम 20 सीटों पर गड़बड़ी की है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस 37 पर रहेगी और बीजेपी 48 पहुंच गई। देखिए, मैंने जैसा पहले भी आपको कहा है कि अगर जो रिजल्ट्स हैं वो उनके अनुकूल नहीं आते हैं तो वो ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करते हैं, और जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब रुझान आने शुरू हुए थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी अब दिखा रहे थे, तो उन लोगों ने तो जो है वो ढोल बाजे और रथ वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था, तो तब उनको नहीं लग रहा था कि ईवीएम जो है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। और जैसे जैसे नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने लगे तो उसके हिसाब से उन्होंने, हमने पहले ही कह दिया था कि अब ये है ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करेंगे। और अब देखिए कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, कांग्रेस की सरकार जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में भी है, तो तब ये वहां के लिए ये बात क्यों नहीं कहते हैं ये? तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बात बार बार कहना जो है वो प्रदेश के मतदाताओं को जो है वो उनका अपमान करने वाली बात है। तो इस तरह की बात करने से ये उसका कोई उनको लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भविष्य के अंदर इसका और उनको नुकसान हो सकता है कि जो मतदाता ने अपना जो है वो एक मैंडेट दिया है तो उसका उसको ये क्यों नहीं स्वीकार करते। आपने रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि 60,000 से ज्यादा वोट आपको मिले, जी अब सरकार में आप नहीं हैं, विधायक नहीं बन पाए हैं आप, अब आगे की राजनीति के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जो भी संगठन मेरे बारे में सुनिश्चित करेगा मैं उसको बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी, और भविष्य में अब जैसे कि अभी मुझे आज ही मैसेज मिला है कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे चुनाव है तो वहां पर मेरी जिम्मेवारी लगने वाली है, तो इस तरह से जहाँ कहीं पर भी कोई जिम्मेवारी संगठन मेरी लगाएगा तो मैं उसको शिद्दत के साथ निभाऊंगी। मैं सिरसा से सांसद रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तमाम तरह के विकास कार्यों की पार्टी दावा करती है सरकार ने करवाए, उसके बावजूद भी सिरसा विधानसभा की 500 सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कोई खास कर नहीं पा रही, यहाँ तक कि नॉमिनेशन बड़ा रोदार जांग रही, उसको अभी वापिस करवा दिया है गोपाल कांडा के समर्थन में। देखिए, मुझे मुझे जी जमानतें भी जब्त हुई, मुझे ये लगता है कि 2019 के अंदर जो सिरसा लोकसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करके यहाँ से मुझे सांसद बनाकर और एक सम्मानजनक तरीके से 3 लाख
10,000 के करीब वोटों से जिताकर जो मुझे लोकसभा में भेजा था, तो उसको उसको गति को जो है वो जो है सरकार की तरफ से भी कहिए कि संगठन की तरफ से भी कहिए कि एक जो गति उसको प्रदान करने की जरूरत थी। कुछ कोरोना बीच में आ गया, कुछ किसान आंदोलन वगैरह रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक समीक्षा का विषय है कि हम लोग इतने अच्छे मैंडेट के बावजूद जो है इसको हम लोग क्यों नहीं संभाल पाए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण इसका ये भी रहा कि जो 2024 के अंदर जो लोकसभा का जो टिकट वितरण, जो खासकर हम यहाँ की बात करें कि जिस इंसान के ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को जो है एकदम से भंग करते हुए सबसे पहले तो 2,80,000 से उनका हारना, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बीच में एकदम से वापस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग जाना, तो ये लगता है कि संगठन के जो हमारे कार्यकर्ताओं हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर बहुत निराशा रही, और जो मतदाता है उन्होंने भी अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस किया कि जिस कैंडिडेट को वो लोग अब से 15 साल से जो है वो लगातार जो है वो उनके ऊपर विश्वास नहीं व्यक्त कर रहे थे। 2009 में वो एक बार जैसे यहाँ से सांसद बने थे, उसके बाद 2014 में वो नहीं बने, 2019 में वो नहीं बने, तो 10 साल से लगातार जिनको निग्लेक्ट करते आ रहे थे, तो उन्हीं को जो है फिर 2024 में स्वीकार करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये कहीं पर जो है यहाँ के मतदाताओं को बात हजम नहीं हुई, और इसके साथ साथ जो है हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है ये बात जो है नागवार गुजरी, और उसकी बदौलत जो है जिस तरह का नुकसान हमें लोकसभा के अंदर हुआ, 6 लाख के करीब, आप मानिए कि 3,10,000 से हमने जीत दर्ज की थी, 2,80,000 के करीब से जो है हम लोग चुनाव हारे, तो टोटल अगर इसको मिला लें तो 6 लाख के करीब जो है मतदाताओं को हमने खो दिया। तो इतने बड़े मैंडेट को जब आप खो देते हैं तो उसको वापस से विधानसभा के अंदर पाना मुझे लगता है कि बहुत ही टेढ़ी खीर थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें फतेहाबाद जिले की बात करें तो वहां पर हमने बहुत कोशिश की और 64-65 हज़ार के करीब के वोट जो है हमें वहां से प्राप्त हुए, और टोहाना के अंदर भी हमें काफी अच्छा जो है मैंडेट मिला, और फतेहाबाद के अंदर भी हमें बहुत अच्छे वोट प्रतिशत मिले, लेकिन हम जीत नहीं पाए, उस बात का हमें अफसोस है। मैडम, जीत का जश्न होता है, आपकी पार्टी ने जश्न भी किया होगा सर, लेकिन हार का मंथन होता है, क्या रतिया में हार का मंथन हुआ, क्या कारण रहे, किस कारण से आप वो एक आंकड़ा नहीं छू पाए? बिल्कुल, देखिए रतिया के अंदर भी मंथन जो है वो हो भी रहा है, और जो हमने जो है अगर हम देखें इसकी जो समीक्षा की, तो मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले जो वहां के विधायक हैं उन्होंने जिस तरह की पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर दी, टिकट मिलने से पहले ही उन्होंने जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, वहाँ की जो सरपंच एसोसिएशन थी, इसके साथ साथ वो खुद मिलकर उन्होंने एक बैठक करके और उसके अंदर ये लिखित के अंदर निर्णय पास कर दिया कि अगर यहाँ से या तो जिला अध्यक्ष को या के उनको अगर टिकट मिलेगी तो ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी को टिकट नहीं मिलेगी तो वो विरोध करेंगे। तो विरोध की लहर उन्होंने वहां से जो शुरू की, और उसके बाद जब टिकट मुझे मिला तो सबसे पहले जो है उन्होंने सभी सरपंच एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, और उसके बाद जो आप देखिए कि जो हमारे संगठन के एक जो मंडल अध्यक्ष हैं वो काफी समय तक चुपचाप जो है वो सारी गतिविधियों को नोटिस करते रहे, और जैसे ही इलेक्शन के 2-3 दिन रह गए तो वो भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर दौड़ के चले गए। और इसके अलावा माननीय हमारी सांसद जो है हेमा मालिनी जी, उनका कार्यक्रम मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करके लिया था, क्योंकि मेरे साथ वो 17वीं लोकसभा के अंदर सांसद रही थी, और वो कार्यक्रम जो है हमारा रतिया का 10,000 से भी ज्यादा लोग जो है उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो ऐन मौके पर जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कार्यक्रम रद्द होना जो है रद्द हो गया। तो और इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े अशोक तंवर जी, वो एकदम से जो है वो आप भाग कर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए। तो ये बहुत से ऐसे कारण रहे कि जिसकी बदौलत जो है हम लोग वो आंकड़ा नहीं छू पाए, लेकिन फिर भी मैं 65,000 लोगों को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम पर फिर भी विश्वास व्यक्त किया।